आज लगभग 29 लाख से ज्यादा केसेस और 2 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों की नजर सिर्फ एक चीज पर है कि वैक्सीन कब आने वाली है। दुनिया के साइंटिस्ट अलग अलग हिस्सों में इस वैक्सीन को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि अब इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी है ये वैक्सीन, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसको लेकर के ह्यूमन ट्रायल्स कर रही हैं, भारत देश में इसको लेकर के क्या प्रोग्रेस है, और ये मार्केट में कब तक आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय जैन आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबली इनक्रेडिबल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जानवर को तो आप पहचानते होंगे, ये है चिंपैंजी, आदि मानव का एक रूप। अब यही चिंपैंजी हमारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद करने जा रहा है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और जेनर इंस्टीट्यूट ने मिलकर चिंपैंजी में होने वाले एक कॉमन कोल्ड वायरस एडिनो वायरस से वैक्सीन बनाई है। 23 अप्रैल को इसके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसको 2 वॉलंटियर को डोज दिया गया है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसा ग्रेनाटो ने अपने 32nd बर्थडे पर इस डोज को लिया। अब आगे 800 लोगों पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इस वैक्सीन का नाम है CHADOX1-nCoV-19। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि ये ह्यूमंस के अंदर इसकी ग्रोथ ना हो सके। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिलीज ऑफ जेनर इंस्टीट्यूट, ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन जो कि कोरोना वायरस की सरफेस पर होता है, आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट में एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है ताकि ये नोवेल कोरोना वायरस ह्यूमन सेल्स के अंदर ना जा सके और इन्फेक्शन वहीं का वहीं रुक जाए। इस वैक्सीन को रिसर्चर्स के ग्रुप ने मिलकर बनाया है, जिसको सारा गिलबर्ट ने लीड किया है, और उन्होंने बताया है कि इस वैक्सीन की डिजाइन हम 10 जनवरी 2020 से कर रहे हैं, और उनको विश्वास है कि ये जो वैक्सीन है ये 80% तक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। एंड्रू पोलार्ड इन्हीं के टीम मेंबर के अनुसार ये एडिनो वायरस का यूज पहले भी काफी बार किया जा चुका है और उनके पास हजारों इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें वैक्सीन में सोर आर्म्स, फीवर जैसे कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे जो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। We used to put the gene from COVID-19 in is one that's been used now in lots of trials that have been undertaken here in Oxford. And actually very similar vaccines like this have been used in thousands of people. So we already have a lot of data about how they perform when they use for some of our volunteers will get a fever and a sore arm and they may get headache and feel a bit flu-like for the first day after. इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू में 18 से 55 साल के लोगों के ऊपर होगा, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो बच्चों और बूढ़ों पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले भी इसी ग्रुप ने इबोला, इन्फ्लुएंजा, MERS जैसे वायरसेस के लिए वैक्सीन बनाई है, इसीलिए ये क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और 21 अप्रैल की प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार मैट हैंकॉक जो सेक्रेटरी है स्टेट हेल्थ एंड सोशल केयर के, उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए अराउंड 130 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया है। और डॉक्टर पोलार्ड ने बताते हुए ये कहा कि अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो ये सितंबर तक 1 मिलियन डोजेस बना देंगे, और इनकी टीम ने कई मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स बना के रखे हैं जो 3 ब्रिटेन में है, 1 यूरोप में है, 1 चाइना में है और 1 अपने भारत देश इंडिया में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ये जो वैक्सीन बनाई गई है, अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो अपने भारत देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इसकी वैक्सीन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ऐसा CEO अधर पूनावाला ने बताया है। इसके अलावा भारत देश में बढ़ते केसेस को देख करके जो BCG वैक्सीन थी जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज की जाती थी, उसको भी ट्रायल्स में लेने का सोच रहे हैं, और अगर उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट बताता है कि इसके हम 300 से 400 मिलियन डोजेस साल के अंत तक बना देंगे। अगर अदर कंट्रीज की बात करें तो WHO के अनुसार 12 जनवरी 2020 को जब चाइना ने जेनेटिक सिक्वेंसिंग शेयर की थी, उसके बाद 78 वैक्सीन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन 3rd नंबर पर है, और इससे पहले एनोविया INO जो 4800 कैंडिडेट और मॉडर्ना जो 1273 कैंडिडेट के ऊपर प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का रिजल्ट सिंगल डोज में ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने 24 अप्रैल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
कि वो जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन लेकर आएंगे। इसके लिए बायोमेडिकल रिसर्च एडवांस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वो भी वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। और यूएस ने अदर जो वैक्सीन कंपनी से उसको भी फंडिंग की है। इसमें मॉडर्ना को उसने $400 मिलियन की फंडिंग की हुई है। वहीं अगर जर्मनी की बात की जाए तो बायोनटेक एंड पेसिफार कंपनी को परमिशन मिल चुकी है कि वो अपनी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करना शुरू कर दें। और इसमें उन्होंने सबसे पहली स्टेज में 200 वॉलंटियर्स को चुना है, जिनकी उम्र 18 से 55 साल होगी, जिनके ऊपर वो टेस्टिंग करेंगे। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो सिनोना बायोटेक जो कंपनी है उसने 2 different doses ऑफ वैक्सीन इंजेक्ट किए हैं 8 monkeys के ऊपर, और इन्हीं monkeys को उन्होंने 3 weeks के बाद वायरस से एक्सपोज कराया, तो 4 monkeys जिनको इन्होंने हैवी डोज दिए थे उनको कोई भी बीमारी का असर नहीं हुआ, लेकिन जो 4 monkeys जिनको नॉर्मल डोज दिए गए थे उनको शुरुआत में बीमारी हुई लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए, और ऐसे 4 monkeys जिनको डोज ही नहीं दिए गए थे उन पर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। और ये पूरा रिजल्ट को कंपनी ने बायोरिसर्च में 19 अप्रैल को पब्लिश किया है। कुछ दिनों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो अपन होप करते हैं कि इसके रिजल्ट्स बेस्ट से बेस्ट आए ताकि ये वैक्सीन डेवलप हो सके और मार्केट में सर्कुलेट हो जाए, जिससे ये कोरोना वायरस की महामारी खत्म हो सके। और जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद।